हेलो एवरीवन, सबसे पहले आपके सपोर्ट के लिए थैंक्स, आपकी ब्लेसिंग के लिए थैंक्स। मैं ज्योतिष को लेकर बहुत ही सीरियस रहती हूँ, कभी मजाक नहीं, कभी कुछ नहीं, और 2400 घंटे पढ़ती रहती हूँ कि और किस डेप्थ तक जा सकती हूँ। लेकिन जो भी एस्ट्रोलॉजी फील्ड में आता है उसकी मेंटेन लाइफ, रूटीन की लाइफ, फैमिली हमेशा ख़राब रहती है, क्योंकि वो हर किसी का सच जानता है। मुझे बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन मैं अपना ही एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर कर रही हूँ कि किसी का सच जानने से आपको कोई खुशी नहीं मिलने वाली। और कभी प्रिडिक्शन गलत होती है तो दोबारा से एक जर्नी को स्टार्ट करना, दोबारा से पढ़ाई करना, और मैं सारा दिन इसी चीज़ में लगी रहती हूँ कि कैसे भी करके सच तक पहुँचूँ। प्रिडिक्शन गलत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि गलत होती नहीं है, हो जाती है। अब ये मैं ब्लेम ये नहीं बता सकती सामने वाले पर कि उसने मुझे टाइम नहीं ठीक दिया हुआ, मतलब कभी कभी सामने वाले में नहीं देखती, कहीं ना कहीं मुझसे ही कैलकुलेशन में गलती हुई होगी, यही सोचती हूँ, और दोबारा से फिर जर्नी स्टार्ट होती है। अभी जितने भी चार्ट आ रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मुझे उसमें देखना क्या है, क्योंकि किसी ने अपनी समस्या लिखी नहीं है। टारगेट क्या है? मैं तो फिर पैसा ही देखती हूँ, क्योंकि कलयुग में जीने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, बिना पैसे के कोई लाइफ नहीं। और ज्योतिष आपको सिर्फ गाइड कर सकता है, प्रूफ कौन करेगा? टाइम आकर। मैंने कितने लोगों को रिस्क लेने से मना किया, जैसे कोई 2 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 5 लाख की, तो मैं हमेशा मना करती, नहीं ये लॉस में जाएगा। अब वो क्या, वो जिद में आ गया, अरे मैडम को क्या कैलकुलेशन करने आती, मैं तो करके रहूँगा। लेकिन उसके बाद वो कभी लौट के नहीं आया। ये मैं आपको 2-3 साल का रेशियो बता रही हूँ, क्यों नहीं आया? क्योंकि वो सीरी नहीं उठा पाया। वो ऑफिस तक आने के लिए मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा पे मैसेज, लेकिन आएगा नहीं कभी, क्योंकि वो खुद फील कर रहे हैं कि मैंने कितना अवेयर किया, मैंने कितना उनको सच बताने की कोशिश करी। लेकिन आज क्या है कि तीन से देखिए 3 से 4 करोड़ एस्ट्रोलॉजर्स हैं, और आप कभी ग्रुप में देखना, जबकि हमारी जो बेस है वो पराशरी है, उसके बाद पद्धतियां बहुत सारी हैं और सबको, सबने रीड करी हुई है, लेकिन तब भी सबका आप देखना पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा देखने का, क्योंकि वो मुझसे भी बड़ा एस्ट्रोलॉजर है, वो ज्ञानवान होता है, मैं कौन होती हूँ उसको समझाने वाली। इसलिए मैंने 81 ग्रुप को ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन बाद में एकदम से छोड़ दी, क्योंकि इतनी नेगेटिव एनर्जी, और जहाँ पर मैं ज़्यादा झूठ देखती हूँ वहाँ मैं ज़्यादा देर रुकती नहीं हूँ, क्योंकि आके 20 दिन तक जो तबीयत ख़राब होनी है वो मेरी होनी है, और फिर मैं किसी से आर्ग्यू नहीं करती इस बात पर, क्योंकि जिसका मैसेज जिस तक पहुँचना होगा भगवान उसको चुनेगा और राइट मैसेज पहुँच लेगा। हर किसी की अप्रोच नहीं है, देखिए यहाँ की वर्ड में एक किरण पावाई है, सबने अपने अपने एस्ट्रोलॉजर, और तीन तीन चार चार रखे हुए हैं कैलकुलेशन के लिए, मैं सच बता रही हूँ, ऐसी बात है, एक को छोड़ेंगे तो दूसरे किसी एक की तो सटी की बैठेगी बैठेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि आज भी इंडिया में ज्योतिष को लोग इतना मानते हैं, फॉरेन से इतने बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, और इस बात का मुझे बहुत प्राउड है। बस दुख किस बात का है कि झूठ का बोलबाला है, सच कहीं नहीं है, सब अच्छा सुनने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन मैं, मेरा चैनल उसके लिए नहीं है, और इसीलिए शायद ग्रोथ भी नहीं हो रही है, क्योंकि ज़्यादा सच की तूती बोल रही है ना, तो सच कोई सुनना नहीं चाहता। और बड़ी हिम्मत हारती हूँ, अभी पिछले 10 दिन काफ़ी डिप्रेस्ड भी रही कि चैनल को बंद कर दूंगी जल्दी, क्योंकि इस साल तो 3 मेजर प्लैनेट चेंज हो रहे हैं, अगर सितंबर तक अच्छा रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि फिर मुझे किसके लिए सच के लिए लड़ना है? आप लोगों के लिए तो लड़ रही हूँ, खुद ही हार रही हूँ, तो फिर बार बार कोई हार बर्दाश्त नहीं कर पाएगा ना, तो इसीलिए फिर ये सोचा। तो बार बार आप लोगों को अलर्ट करती हूँ कि ज्योतिष सच है, और सीरियस हो के आप लोग डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, समस्या लिख कर भेजिए, बताने वाले को भी अच्छा लगेगा, सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा कि कब सोल्यूशन है इस चीज़ का, और ये टाइम प्रूव कर देगा। आज लेंगे 5 चार्ट। सबसे पहला है 2/10/1981, 6:15 PM, श्री गंगानगर, मुश्किल टाइम है। देखिए आपका मीन लगन है, मीन लगन का मैंने माइनस पॉइंट पर क्या बताया हुआ है, लेने वाले भी शनि हैं, देने वाले भी शनि हैं, जो आएगा वो चला जाएगा,
लेकिन अभी तो 15/5/2023 तक आपकी गाड़ी चलेगी, आप कैसे भी हालात होंगे कवर कर लोगे। उसके बाद है आपका चक्का जाम, उसके बाद आपकी आई चलाई रुक जाएगी। आपने क्या करना है, इसी 30 मार्च से आपने मंत्र लेना है, एक तो महामृत्युंजय का, क्योंकि गुरु आपके ट्रांजिट हो रहे हैं केतु के ऊपर से, थोड़ा मुश्किल टाइम है। आपने ये मंत्र छोड़ना नहीं है, पूरे 1 साल तक करना है। उसके बाद आपने नरसिम्हा अवतार का मंत्र करना है। आप मेरी वीडियो सुनना, उसमें मैंने नरसिम्हा अवतार का मंत्र दिया हुआ है। सिंपल मैं एक ही बात कहती हूँ कि 33 करोड़ देवी देवता हैं और सिर्फ एक के पास आपकी चाबी है, और वो मैं जानती हूँ किसके पास, राइट मंत्र, क्योंकि इसके ऊपर मैंने पढ़ाई कर रखी है। मन से कोई बात नहीं बताती हूँ। आपने नरसिम्हा अवतार का मंत्र लेना है, आपने देखना है कि खुद ब खुद रास्ते बनते जाएंगे। आगे चलते हैं, 17/1/1990 हनुमानगढ़ राजस्थान, 4:15 AM। देखिए आपके क्वेश्चन तो इसमें है नहीं। सबसे पहले है कि आपके पास लिक्विड कैश नहीं रुकेगा और पत्नी सी आपकी अनबन लगी रहेगी, लेकिन आपका हाथ कभी नहीं रुकेगा। ये दो माइनस पॉइंट है कि जैसे ही लिक्विड कैश आएगा चला जाएगा और पत्नी के साथ अनबन लगी रहेगी, लेकिन हाथ कभी नहीं रुकेगा, तो ये आपका प्लस पॉइंट है। आगे चलते हैं, 13/12/1977, 7:55 PM होशियारपुर, बिजनेस फैमिली लाइफ और इस समय अच्छा नहीं चल रहा है। आपका कर्क लगन है, आपको देने वाले कौन है, एक ही प्लेनेट है और आपकी गाड़ी रुकी हुई है। कब चलेगी, बुध की महादशा से। बुध भी आपका 12th और 3rd लॉर्ड है, आई चलाई जिसको बोलते हैं, अभी कुछ नहीं है तो आपके लिए भी सॉरी। आगे चलते हैं, 17/12/1978, 5 PM प्लेस बॉम्बे। तो इनका, मेरी वाइफ का करियर बताइए। देखिए आपकी वाइफ की महादशा जस्ट चेंज होने वाली है, 14/6/2020 से शुक्र की महादशा लग रही है, बहुत हार्ड वर्किंग है। कंप्लीट क्या है कि अब जैसे 20 साल उनका अच्छा है, आ रहा है जा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको कंप्लेंट उनके करियर को लेकर क्या चीज़ है। वृषभ लगन है उनका, बैल है वो, और बैल नीचे क्या आता है, कर्मों का बोझ होने के लिए। इतनी मेहनत के बावजूद क्या मिलेगा, 1 रुपया, 9 रुपये अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे, तो प्रमोशन उनकी कोई भी नहीं है। लेकिन महादशा ठीक है, गुरु के कहने पर है, हालात कैसे होंगे वो कवर कर लेंगी, और 6-8 अप्स एंड डाउन्स लाइफ में बने रहेंगे। लेकिन आपकी कंप्लेंट पता क्या है, करियर को लेकर, प्रमोशन तो खैर नहीं है अभी उनकी, तो मेन है कि वो मेहनत इतनी करती है तो ग्रोथ क्यों नहीं है। बॉर्न टू ही नक्षत्र ऐसे हैं, 1 रुपये मिलेगा, 9 रुपये कट जाएंगे। तो आगे चलते हैं, 8/2/1997, 6:15 AM प्लेस अलीगंज, जॉब कब मिलेगी, 3/7/2020 जॉब मिल रही है, लेकिन उसमें आपका पैसा नहीं है, यानी वो लोग सैलरी कम दे रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, कभी भी ये सोच के मत लो कि मेरी तो एक्सपेक्टेशन ही 1 लाख से है। आपका CV तैयार होने दो, एक्सपीरियंस है, जैसे ही CV में एक्सपीरियंस हमारा जुड़ जाता है, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी खुद ही मिल जाती है। तो आपके योग जैसे ही बनेंगे जुलाई में, तो आपने ग्रैब कर लेना है। आपने पैसा नहीं देखना है, सिर्फ ये देखना है कि वो आपका एक्सपीरियंस काउंट हो रहा है। उसके बाद 2-3 साल बाद आपको अच्छी जॉब ऑफर आएगी, मनी वाइज, ठीक है। तो आज हमारे 5 चार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, और 26 तारीख को, 25 तारीख को शनि ट्रांजिट हो रही है, 26 को मैं लाइव आ रही हूँ, संडे को शाम को 5 बजे, आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। तो मुझसे जुड़े रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहें कि वो फेसबुक पर रिक्वेस्ट पहले भेजेंगे, मैं एक्सेप्ट कर लूँगी। लेकिन देखिए, मैं अपनी गलती खुद ही बताती हूँ कि मैं बहुत चूज़ी हूँ एक्सेप्ट करने के मामले में। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को जोड़ती हूँ स्टडी देखकर, मैं ऐसी किसी को अपने साथ नहीं जोड़ती। मैं सिर्फ एजुकेशन डिग्री देखती हूँ, प्लेस देखती हूँ, कितने पढ़े लिखे हो आप, तब मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती हूँ, तो बहुत कम लोगों से मैं जुड़ती हूँ। तो ये मेरी गलती है, तो मैं मान रही हूँ आपके सामने ही।
लेकिन लाइव हो रही हूँ फेसबुक पर। ये उन लोगों के लिए है जिनको कमेंट बॉक्स में करना नहीं आता, या जिनके पास डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस नहीं, क्योंकि तब हम प्रश्न कुंडली में देखकर उनके क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। पिछली बार मेरा लाइव आना सक्सेसफुल रहा सिर्फ आप लोगों की दुआओं की वजह से, ब्लेसिंग की वजह से। अभी भी सर्दी बहुत है और जजमेंट ये नहीं होगी कि मैं कितनी बीमार चल रही हूँ, सबको लगेगा रोहिणी नक्षत्र वालों का यही है। कोई भी इसमें बॉर्न होता वो बताना भी चाहेगा ना, वो बीमार है कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन ठीक है। तो मैं 26 को लाइव हो रही हूँ, आप लोग मुझसे जुड़े, अपने क्वेश्चन का आंसर पाएँ, मंत्र साधना लें, लेकिन रेमेडी मैं उसी को बताती जो पूछता है, बाकी मैं रेमेडी इसमें नहीं बताती हूँ। आप अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस समस्या लिख कर भेजिए और ऐसे ही मेरे चैनल से जुड़े रहे, लाइक करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और पेशेंस रखें, मैं हर किसी की बात का जवाब दूंगी। नहीं जवाब देना होता तो मैं नीचे उसको रिप्लाई में दे देती हूँ, ताकि आप लोग वेट ही ना करो। जिसका देना होता है वो तो दूंगी, जिसका नहीं देना होता मैं साथ के साथ, क्योंकि ऑलरेडी जिनका देख चुकी हूँ मैं, मेरे दिमाग में वो कुंडली रहती है कि इस बंदे ने दोबारा भेज दिया। दोबारा के लिए चैनल ही नहीं है, आपने सच को एक्सेप्ट ही नहीं करा, आपने सुना ही नहीं कि मैंने क्या बोला। इसलिए मैं बोलती हूँ कि दोबारा से सुनोगे आप, एक बार नहीं 20 बार सुनोगे, आज नहीं तो अगले साल, अगले नहीं तो अगले साल, क्योंकि सच वही है जो मैंने बताया। तो बहुत सोच समझ कर आप सुना करो कि मैं क्या बोल रही हूँ, लिख लो उसको और आप रिजल्ट भी खुद देखोगे। अगली बार मिलते हैं नाला इस पार्ट में, बाय।